अच्छा दोस्तों, मैं दीपक ठुरेला ब्रेन एक्शन लैब की तरफ से DMIT लर्निंग के ऊपर आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे DMIT कॉर्पोरेट के अंदर जा सकती है और कैसे बेनिफिशियल हो सकती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के लिए, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक जो है हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो या तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर कर रहा है या कर चुका है। लेकिन मीन्स आप प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आइदर आप प्राइवेट जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, आप रिक्रूटमेंट में हैं, आप ट्रेनिंग्स में हैं, आप इंडस्ट्री चला रहे हैं अपनी, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे DMIT की हेल्प से आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, कैसे आप DMIT की मदद से अपने बिजनेस को एक नई रूपरेखा दे सकते हैं। व्हाट इज DMIT? DMIT इज बेसिकली डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जो आपको आपकी टीम मेंबर्स, आपके अपने बारे में, इवन आपके अपने बारे में, आपके टीम मेंबर्स के बारे में एक पूरी ब्रीफ जानकारी देता है कि आपका जो साथ वाला व्यक्ति है, जो आपके साथ काम कर रहा है, या फिर आप, उनके सोचने का तरीका कैसा है, उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, उनके थॉट प्रोसेस में कहाँ कमी रह जाती है। भाई वो काम कर रहे हैं और काम करते करते उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना काम का फिजिकली तो कर रहे हैं लेकिन उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं ये सोच ही नहीं रहे। वो काम कर रहे हैं बिना पूरी जानकारी लिए, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, पूरे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़े ही नहीं और उन्होंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, दूसरों को ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया, खुद ना करके दूसरों पे डालना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हो गया, काम की आउटपुट जो है वो खराब हो गई, वो कम हो गई और उसकी वजह से लॉस जो है वो आपके बिजनेस में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आता है। इसके अलावा भी और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि रिक्रूटमेंट कैसे करें, सही काम के लिए सही व्यक्ति, राइट मैन फॉर द राइट जॉब कैसे पता चले। सो DMIT उसमें आपकी हेल्प करती है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। भाई आपको अगर किसी व्यक्ति को एज अ इंजीनियर रखना है, मान लीजिए आपने उसको इंजीनियर रखना है, टेक्निकल बैकग्राउंड का कोई काम कराना है, और वो व्यक्ति जो है वो ऐसा है जिससे ज्यादा देर तक एक जगह पे खड़ा रह ही नहीं सकता, जिसको इधर उधर मूवमेंट करनी है, जिसको चार नए लोगों से बातें करनी है, जो आराम से शांति से काम कर ही नहीं सकता, फोकस्ड होकर एक जगह पे टिक नहीं सकता, तो अब उसकी क्वालिफिकेशन चाहे कितनी अच्छी हो, उसके मार्क्स कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति आपके उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में प्रोफाइल फिट है ही नहीं, वहां पर प्रॉब्लम आएगी। अगर वो व्यक्ति ऐसा है जिसको सोशल काम करना है, जैसे मान लीजिए आप एक BPO KPO रन कर रहे हैं, आप एक ऐसी इंडस्ट्री रन कर रहे हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है, पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा है, आपने एक रिप्रेजेंटेटिव हायर किया, अब वो रिप्रेजेंटेटिव ऐसा हायर कर लिया जिसको ज़्यादा बोलने में कुछ खास सा इंटरेस्ट है नहीं, वो बोल अच्छा सकता है, कम्युनिकेशन फ्लॉलेस, कम्युनिकेशन अच्छी है, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, बातों का जवाब भी अच्छे से देता है, लेकिन अब उसका माइंडसेट ऐसा है कि उसे ज़्यादा लोगों से बात ना करनी पड़े या लिमिटेड लोगों से ही बात करनी पड़े। अब ऐसी प्रोफाइल में वो प्रोफाइल फिट नहीं है, ना वो खुश खुद खुश रहेगा, ना कंपनी को खुश कर पाएगा, क्लाइंट को खुश कर पाएगा। एक व्यक्ति आपने हायर कर लिया जिसका काम है फील्ड का, ट्रेवल का, बाहर जाना है, आना जाना है, लोगों से मिलना है, आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा करनी है, न्यू क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्डअप करनी है, लेकिन उस व्यक्ति को बाहर जाके काम करना इंटरेस्टेड नहीं है, वो आराम से कंप्यूटर पर बैठ के काम करना चाह रहा है, तो जहां उसको क्लाइंट से पर्सनली जाके मिलना था वो वहां उसको मेल कर रहा है या कॉल पे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो गया, वो कैपेबल है, आप उसको ऐसे समझ के चलिए क्वालिफाइड है, लेकिन प्रोफाइल फिट नहीं है। तो DMIT हेल्प करती है आपको शॉर्टलिस्ट करने में कि कौन सा व्यक्ति आपकी किस प्रोफाइल पे फिट हो सकता है और या फिर किस व्यक्ति से क्या काम करवाना है, तो रिक्रूटमेंट बहुत आसान हो जाती है सबसे पहले तो। दूसरा, वर्क एफिशिएंसी ज्यादा की जा सकती है, आपको पता होगा कि किस व्यक्ति के को कैसे समझाना है, उसको मेरी बात कैसे समझ में आएगी, उसका लर्निंग पैटर्न क्या है, उसके दिमाग में मेरी बात कैसे जाएगी, कैसे वो मोटिवेट होगा, किस चीजों से वो इंस्पायर होता है, ये सब कुछ आपको उस रिपोर्ट से पता चल जाता है। तो क्या हो गया, जैसे ही आपके पास कोई एम्प्लॉई आया, आपको पता होगा कि उसकी ब्रेन की क्या है, उसे काम कैसे कराना है, किन चीजों से वो खुश होगा, क्या चीजें उसके सामने नहीं करनी। देखिए आपका नेचर जैसा भी हो, हर एम्प्लॉय को आपका नेचर पसंद नहीं आ सकता, हर व्यक्ति को आप पसंद नहीं आ सकते। आपको अगर लॉन्ग टर्म तक किसी से काम करवाना है या किसी के साथ काम करना है, इवन आपको अपना खुद का भी ऐसा काम ढूंढना है, ड्रीम जॉब ढूंढनी है, ड्रीम वर्क ढूंढना है, तो DMIT करा लेना चाहिए। तो अब वहां पे आपको पता होगा कि इस व्यक्ति के सामने इस तरह की बातें या इस तरह से नहीं करनी,
ठीक है, तो टेक्निक तरीका बदल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। आपने देखा होगा कई लोग सालों लगे रहते हैं और कई कुछ दिनों में ही वो टास्क अचीव कर लेते हैं, वो अचीवमेंट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी प्रमोशन पा लेते हैं, बहुत सारे लोग 20 20 30 30 साल हो गए एक ही प्रोफाइल पे अटके पड़े हैं। ठीक है, सैलरी तो इंक्रीमेंट के हिसाब से ग्रो हो रही है लेकिन प्रोफाइल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, लाइफ में कुछ ज्यादा सा बदल नहीं रहा। तो क्या हो गया यहाँ पे, हो गया कि सही प्रोफाइल, सही स्किल और आपकी पर्सनैलिटी, तीनों का मैच होना जरूरी है। और ये DMIT आपकी हेल्प करती है, डेमेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें आपकी हेल्प करता है। इसमें अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेते हैं, एज अ DMIT बिजनेस में आते हैं, तो हम आपको सिखाते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप DMIT ट्रेनर बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, कैसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अगर सीखना चाहते हैं DMIT के बारे में और, तो आप सीख सकते हैं। अगला, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कस्टमर के साथ आपकी टीम में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। DMIT हेल्प करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, या कम से कम हो, या कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप किसी व्यक्ति को इंस्पायर करेंगे, कैसे उनके बीच के झगड़े दूर करेंगे, समझाएंगे, ये सब कुछ DMIT आपकी हेल्प करेगी। उन व्यक्ति के अंदर छुपे हुए टैलेंट को कैसे कंपनी, देखिए टैलेंट एक्विजिशन चलता रहता है कॉर्पोरेट्स में, लेकिन सही टैलेंट अगर किसी के पास है लेकिन वो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ है कभी, तो पता कैसे चलेगा? यहाँ पता चलेगा, आप एक एम्प्लॉय से मल्टीटास्क करा सकते हैं, आपको एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटी का पता चलेगा कि इनके अंदर कितना पोटेंशियल है, ये मल्टीटास्कर है या एक काम देंगे वही करेगा, इसको इंस्ट्रक्ट करके देंगे लिख के कि भैया पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो करेगा, या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, फ्री हैंड दे देंगे तो ये काम करेगा। तो ये कॉर्पोरेट्स में ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि वो ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि सही तरह से तालमेल नहीं बैठ पाते, तो DMIT उसमें आपकी हेल्प करेगी। इस बारे में और जानना है, समझना है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। DMIT कॉर्पोरेट्स में बहुत फायदेमंद हो सकती है, चाहे आप एक छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है, या एक बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम जो है ये आपके बिजनेस को एक नई रूपरेखा दे सकता है। सो मैं दीपक ठुकरेला आप सभी का धन्यवाद करता हूँ हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले अगर नहीं किया है तो अभी तक। और DMIT के बारे में और सीखना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करें। मैं और मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी, कैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर आप DMIT बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।